Yay! I have scooter! Yay! Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are fine. I'm good. Alhamdulillah. I hope आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा. और ये क्लिप जो है ये थर्सडे का है और हस्बैंड लेके आए थे न्यू लैपटॉप. ये तो वो वाली स्टेज है टू. लेकिन हमने वन वाली करो. दो साल की हो गई है. अभी यही वाली करो बैठने वाली. अभी बैठने वाली ही करेंगे. जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वो दूसरी करेंगे. आया आया लाइक इट. आई लाइक इट. ये इसका है इंस्ट्रक्शन कार्ड. हाँ ये लगना है. कुछ भी नहीं है अंदर डालना बस. दैट्स इट. लगना ओके. ये देखो. ये आया. आई इज हैप्पी. रोहान को बहुत टेंशन हो रही है चलाना. रोहान ने आई लाइक इट. ये कितने दिनों से. ओ ओ इस फॉर इनाया. हेल्प हेल्प हेल्प. थैंक यू. इनाया डर क्यों रही है. थैंक यू. ये नीचे नहीं जाना. फिक्स नहीं होना सही. रेड कलर एक ही था इसमें कलर बस. ये और जो दूसरा था वो बैठने वाला नहीं था. जो इसकी एज में थे दो थे बस. ये यस वेरी नाइस. आया आया. चेक चेक. और ये इनाया के लिए स्कूटर लेके आए थे उसके बाबा आर्गो से. और इसकी प्राइस है 34.99 पेंस. और इसके वे फीचर्स जो हैं वो बड़े अच्छे थे क्योंकि हम ढूंढ रहे थे कि हमें उसकी एज के अकॉर्डिंग स्कूटर मिल जाए. तो ये स्कूटर अगर आपका बेबी वन ईयर का है तो आप इसको बाय कर सकते हैं आर्गो से. और इसकी तीन स्टेजेस हैं. स्टेज वन जो है इसकी 12 to 24 months है. इट मीन्स आफ्टर 1 to 2 years. और स्टेज टू इसकी 24 to 36 months है. इट मीन्स आप 2 से 3 साल का बच्चा इसको आराम से यूज़ कर सकता है. स्टेज थ्री जो है इसकी आफ्टर 36 months. इट मीन्स कि आफ्टर 3 years जो है आप इसकी हैंडल स्टैंडिंग वाली कर दें तो जो है आफ्टर 3 years आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और आफ्टर 1 year आप इसको ऐसे इसकी सीट वाला जो हैंडल है वो लगा लें तो आफ्टर 1 year आपका बेबी आराम से जो है वो इसके ऊपर इंजॉय कर सकता है. और इसके फीचर जो हैं वो बड़े अच्छे थे. 3 wheels है और 3 wheels स्कूटर जो है वो बैलेंस उसका अच्छा होता है. एंटी स्लिप इसके फुट प्लेट है. इजी ग्रिप है. इसके जो हैंडल्स हैं छोटे बच्चों के लिए बेस्ट हैं. और एडजस्टेबल हैंडल बार है. आप इसको ऊपर नीचे इसकी हैंडल बार को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर किड्स हाइट. और इसका रियर फुट ब्रेक है. और इसका मैक्सिमम इसका इसके ऊपर जो है वो 20 kg वेट जो है वो हो सकता है. Yay! Inaya liked it. Oh my god, it's so nice. I like it. Wow. Wow. Oi. Aaj. Yay! Nice. Come on. Show me how it works. Yay! Very nice. Good girl, you know already. Mashallah. Turn, turn, turn. Turn. Very good. Inaya likes this. Inaya like it. Baba buy Inaya new scooter. Baba buy Inaya new scooter. Show me. Come. Oh, kya hua? Look, what look? Okay, come. 1, 2, 3. Go, 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 go. इनाय को अच्छा लगा. आपने उसको को बेबी समझा होगा. अच्छा आपने मुझे फोन लेके देना ना. ये नहीं मैंने देना. और अभी आपने देखा दोनों तरीकों से बैठ के भी आपका बेबी जो है इसको चला सकता है. और अगर आपने सीट रिमूव करनी है और स्टैंडिंग हैंडल बार लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं. क्योंकि इनाया को ज़्यादा शौक है खड़े होके चलाने का तो इसलिए हमने उसका सिटिंग वाला रिमूव कर दिया था. वो चाह रही थी कि वो खड़े होके इसको जो है वो चलाए. No. Oh, we need to open this. Is the battery required? No. Oh, yes. Ayan, what battery it is? Required. What it is? A drone.
Show me. It's like this. और जो पहले आपने क्लिप देखा था इनाया वाला, वो था थर्सडे का और आज है फ्राइडे का ये क्लिप। और यूके में हाफ टर्म हो चुकी है, हेलोवीन ब्रेक है यहाँ पे, तो आप 10 डेज के लिए बच्चों को छुट्टियाँ हैं और उनके बाबा जो है फर्स्ट डे ही उनके लिए टॉयज लेके आ गए हैं बस बच्चों को खुश करने के लिए। और अभी बाकी 9 डेज पड़े हुए हैं, अब बाकी 9 डेज में पता नहीं क्या होगा घर पे। तो आप लोग बताएं कि आपका इन छुट्टियों में क्या प्लान है, और लेट्स सी कि हमारा क्या प्लान बनता है, हम कहीं जाते हैं या फिर वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर अच्छा हुआ तो बच्चों को कहीं ले जाएंगे, वरना मे बी जो है छुट्टियां घर पे ही गुजरें। ये वाला स्टेप सही है, राउंड एंड राउंड। नया भी नहीं हाथ लगाने दे। और अभी मैं बच्चों को लेके जा रही थी पार्क में, क्योंकि अयान को अपना ड्रोन चलाना था। लेकिन पार्क में हम गए और वहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई, वो भी आगे जाके आपको पता चलेगी। तो वेदर अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन बाहर जब हम गए तो विंडी था और काफ़ी ठंड लग रही थी। और उसके बाद हम वहाँ पे प्लान बना के गए कि हम वहाँ पे थोड़ी देर खेलेंगे बच्चे और इंजॉय करेंगे। लेकिन हमारी इंजॉयमेंट जो है वो सैडनेस में बदल गई। अभी अयान ने सिर्फ एक बार अपने ड्रोन के साथ उसको उसको फ्लाई किया था, और सेकंड बार जब उसने किया तो इतना ऊंचा चला गया कि वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, तो उसके ऊपर से क्रॉस करके और यहाँ पे आके जो है ये स्टक हो गया। और ये गेट था, हम इसके अंदर नहीं जा सकते थे इन केस का यहाँ पे बिल्डिंग में अंदर कोई हो और वो इसको ओपन करे। तो फिर हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद हम घर आ गए। लुक, और अब हमें ये मिल गया वापस ड्रोन हमारा, क्योंकि इसके बाबा आए थे यहाँ के, तो वो गए इसके साथ। और इट्स अराउंड 5 o'clock नाउ, आई थिंक इट्स अराउंड 5 o'clock। तो वो भी गए, मैं उस टाइम वहाँ पे देखा, लेकिन वहाँ पे कोई काउंसिल और उस ऑफिस का कोई आदमी वहाँ पे नहीं था। लेकिन अभी जो है शुक्र है ये मिल गया यहाँ को। यान, आर यू हैप्पी नाउ? हाउ यू गेट इट? So we like we were going there. It's going on the way to get the drone. Once we tried the drone control, but it didn't work as a bug. So the man was working there. और मैं जब वहाँ पे थी, हम वहाँ पे काफी देर देखते थे, लेकिन हमें कोई आदमी वहाँ नहीं मिला, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ऑफिस बंद था। तो शुक्र है ये मिल गया। या ना, यू हैप्पी नाउ? He was very sad. Huh? I was just bored. You were bored? Not sad? Now we will not go out, okay? Because this drone is for extremely fast. And this only belongs indoors. Yeah, you will go just now. We will go in open field. Not in that park. ये भी बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ इसको। पहले हैप्पी डे था तो टर्न हो गया हमारा सैड डे में। तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो अपलोड करूं या नहीं करूं, लेकिन शुक्र है कि ये मिल गया है। और क्योंकि आज ही वो लेके आया था और जो है वहाँ पे स्टक हो गया। अभी उसने एक बार चलाया, सेकेंड बार उसने अभी चलाया तो साथ ही वहाँ पे इतना ऊंचा चला गया कि वो फिर उसके बाद बिल्डिंग के साइड पे जाके जो है वो नीचे गिर गया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें इससे पहले वीडियो ख़त्म हो जाए।
और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मेक योर किड्स हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर फूड. अल्लाह हाफिज़.